तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का फेमस और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है। इतना ही नहीं, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक रहा है। हर किरदार अच्छी तरह से गढ़ा गया है और दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा है। हालांकि जबरदस्त फेमस होने के बावजूद कलाकारों के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य हैं। हमें यकीन है, जेठालाल से उम्र में छोटे हैं बापूजी। शो में बापूजी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट उम्र में अपने बेटे यानी जेठालाल दिलीप जोशी से भी छोटे हैं। जेठालाल की पत्नी दयाबेन और साला सुंदर हैं असली भाई बहन। शो में भाई बहन का रोल निभाने वाले दयाबेन उर्फ दिशा वकानी और सुंदर यानी मयूर वकानी असल में भी भाई बहन हैं। सबसे लंबे समय से टीवी पर राज करने वाला ये शो लिम्का बुक में तो अपनी जगह बना चुका था, लेकिन अब ये शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। शो ने 3000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। गोकुलधाम सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो दिखने में भले ही असली लगता होगा, लेकिन वास्तव में ये फिल्म सिटी में बनाया गया डमी है। बात जब शो की आती है तो जेठालाल, सौढ़ी और अब्दुल की दुकानें भी चर्चा में रहती हैं, क्योंकि वह तीनों कई बार दुकानों पर चर्चा करते नजर आते हैं। देखने में भले ही ये असली लगता हो, लेकिन वास्तव में ये भी गोकुल धाम की डमी का हिस्सा है कि आप इसके बारे में नहीं जानती होंगी। आइए टीएमकेओसी के कास्ट से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से जानें। बबीता जी बड़ों में सबसे छोटी हैं। मुनमुन दत्ता तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तब शामिल हुई जब वह केवल 20 वर्ष की थी। 8 साल बाद आज तक वह बड़ों का रोल निभाने वाले लोगों में सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। श्याम पाठक इस सीरियल में पोपटलाल भगवती प्रसाद पांडे की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें तूफान एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर के रूप में दिखाया गया है। वह सीरियल में कई वर्षों से कुंवारे होने के कारण शादी के ख्यालों में ही खोए रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह शादीशुदा है और 3 बच्चों के पिता हैं। उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। जेठालाल का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि दोनों ने इससे पहले हम सब बाराती नामक एक और शो में काम किया था। जेठालाल का रोल निभाने वाले दिलीप जोशी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि दोनों ने इससे पहले हम सब बाराती नामक एक और शो में काम किया था। अय्यर के चरित्र को निभाने वाले तनुज महाशबदे ने शो में एक लेखक के रूप में शुरुआत की थी। हालांकि दिलीप जोशी के एक सुझाव के बाद ही निर्माता ने उन्हें अय्यर की भूमिका देने का फैसला किया। वह वास्तविक जीवन में एक महाराष्ट्रियन है, न कि कोई साउथ इंडियन जैसा कि शो में दिखाया गया है। गोगी और टप्पू वास्तविक जीवन में चचेरे भाई हैं। गोगी और टप्पू का किरदार निभाने वाले समय शाह और भाव्या गांधी वास्तविक जीवन में चचेरे भाई हैं। इन दोनों के रोल को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। जिन्होंने सीरियल में दयाबेन की भूमिका निभाई है वह ग्रेजुएट हैं और उन्होंने ड्रामेटिक्स में डिग्री हासिल की है। साथ ही बॉलीवुड फिल्मों में कई छोटी भूमिकाएं और गुजराती नाटकों में काम किया है। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिशा ने मैटरनिटी लीव लिया और अभी तक शो में वापस नहीं आई हैं। घनश्याम नायक ने निभाया है नट्टू काका का किरदार। नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक 200 गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा 100 से अधिक गुजराती स्टेज शो और 350 हिंदी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। क्या आप जानती हैं कि शैलेश लोढ़ा उर्फ तारक मेहता वास्तविक जीवन में एक लेखक और कवि हैं? संयोग से
वह शो में भी एक लेखक का किरदार ही निभा रहे हैं। डायरेक्टर की पत्नी है रीटा रिपोर्टर। जेठालाल और दयाबेन के अलावा रीटा रिपोर्टर का किरदार भी लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रीटा रिपोर्टर का रोल निभाने वाली प्रिया आहूजा राजदा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर मालव राजदा की असली पत्नी है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक कर दे और हमारे चैनल गौरव हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब कर लो। बॉल आइकन को अल पर सेट कर लो ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।